उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय सिंह निषाद शुक्रवार को हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में कलेक्ट्रेट पर मत्स्य विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की, साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक में हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, पुलिस अधीक्षक हापुड़ ज्ञानंजय सिंह, अधिकारी भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विभागीय समीक्षा बैठक थी और लगभग हमारी परियोजनाएं हैं। रातल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, इससे हमारे इस मत्स्य विभाग को विकसित कराने भूमिका में उन्हें धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दी थी, तो हमारी सरकार ने पूरे 6.5 साल में 41,500 करोड़ उन परियोजनाओं को धरातल पर ला के इनको बताना, देखना कि क्या है क्या नहीं है। तो पता चला कि नहीं, भुगतान 100% हो चुके हैं और यहाँ असीम संभावनाएं, हमारी दो झीलें हैं बड़ी बड़ी, उसको देखना था। और इसमें लोगों के मन में एक था कि अभी कार्यकर्ता भी आए हैं जिले भर के, कि बड़े पॉन्ड्स होंगे, तालाब होंगे, पानी होगा, बड़ी ज़मीन होगी, तब मछली पालन होगा। ऐसा नहीं है, हाई टेक है, हमारे यहाँ आरएस है, कम जगहों में पालन कर सकते हैं। बायोफ्लॉक है कि मछली भी स्वस्थ पानी में रहना चाहती है तो एक बैक्टीरिया जिसको हम डालते हैं और मछली का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो खा जाती है, तो उससे क्या है कि आय हमारी मछली का उत्पादन दोगुना हो जाता है। दूसरा, इससे क्या है कि रोजगार के साधन है, हमारी जो आय की इनकम है, फिर हमारे प्रोटीन उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए आए। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, इनके लिए बहुत बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है मछुआ कल्याण कोष का, कि जिस मछुआरे के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा उसको हम बड़े 15 गंभीर बीमारियों में 5 लाख रुपए तक का वो इलाज कहीं करा लें, हमारे यहाँ जमा कर दे, उसे भुगतान हो जाता। दूसरा, उसमें अगर उन 15 बीमारी कलावा भी बीमार है तो 7 दिन वो भर्ती होना हो। सर, हमारे यहाँ पे